हम पढ़े चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी एक्सरसाइज 12.3 है। इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है सेम है। इनमें से मैं 13 सॉल्व करता हूँ, 12 क्वेश्चन आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 की यहाँ पे फिगर दी गई है। इस फिगर में इस तरह से ये एक सेक्टर दिया गया है, या इसको क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है जिसमें एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री दिया गया होता है। तो इसमें एक स्क्वायर, बीच में एक स्क्वायर बनाई गई है। ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। और हमें इसके अलावा स्क्वायर के अलावा बाकी जो पोर्शन है इसका वो शेड किया गया है। इस शेडेड पोर्शन के एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। ये ओ ए, इसकी नेमिंग भी दी है, ओ ए पी बी क्यू सी, ओ ए पी, फिर उसके बाद इस पॉइंट का नाम है बी, ये सी और ये क्यू। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इन फिगर स्क्वायर ओ ए बी और ए बी सी, ये एक स्क्वायर दी गई है। इंस्क्राइब इन द क्वाड्रेंट ओ बी बी क्यू, इस क्वाड्रेंट इंस्क्राइब कर रही है। ओ ए 20 सेंटीमीटर के बराबर है, इसकी जो साइड स्क्वायर की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर इसकी साइड दी गई है। एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन के एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में ऐसे करना, तो ये आ जाएगा शेडेड रीजन के एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 प्लस क्वेश्चन देखो, पहले साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी दी गई हमारे पास, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या, ओएबीसी, ओए BC is equal to किस बराबर है, 20 सेंटीमीटर, which implies that अगर ये इसके साइड दी गई है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर किस बराबर आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर OA BC is equal to क्या होता है, साइड द स्क्वायर, साइड स्क्वायर एरिया, साइड इसके 20 इसका स्क्वायर किस बराबर आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, या पहले डायगोनल निकालो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, स्क्वायर का डायगोनल इज इक्वल टू ये होता है रूट टू ई टू साइड के बराबर, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, रूट 2 इंटू साइड कितनी, 20 रूट टू, इसको आप कह सकते हो 20 रूट 2 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल आ गया यहाँ से यहाँ तक। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर 20 रूट 2 के बराबर है, व्हिच इंप्लाइज दैट मैं देखोगे इस साइड में इसका, सॉरी इस साइड ये क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो किसके बराबर, वो इसी के बराबर आएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर सेम ही यहां से देखो जो इसका डायगोनल होगी इसका रेडियस भी आ गया, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 20 रूट 2 मीटर के बराबर, सेंटीमीटर दोनों दोनों इसके बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके एरिया और इसका रेडियस निकल गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। क्वाड्रेंट भी एक्सैक्टली होता है, इसका एंगल कितना है, 90 अपॉन 360, या पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा थीटा कितना, 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना, 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसका रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, 20 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल
इक्वल टू, इसको आपने सकते 1/4 96 को डिवाइड किया इंटू 22/7 इंटू, यहाँ से किसके बराबर आएगा 20 का स्क्वेयर होता है 400 रूट टू का स्क्वेयर किसके बराबर आएगा 2 के बराबर, तो ये आता है टोटल 800 के बराबर। तो 400 = 800 इससे ये कैंसिल 200 × 22 कितना 4400/7 आई थिंक आएगा, इसी के बराबर आया है एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। और इसको सॉल्व करके टोटल वैल्यू कितनी निकलती है इसकी, इससे 3.14 को पाई की वैल्यू यूज करनी है, पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14। Which is equal to, ये टोटल अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू किसके बराबर निकलती 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी का 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे इसका क्वाड्रेंट के एरिया और स्क्वायर के एरिया निकला हमारे पास ये बराबर, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर पोर्शन, एरिया द शेडेड पोर्शन किसके बराबर होगा, शेडेड पोर्शन की एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर एरिया माइनस करना है, ये क्वाड्रेंट किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 व्हिच इज इक्वल टू इसके आ रहा है 428 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ ये फिगर दी गई है ए बी और सी डी, यहाँ पे दो ऑर्क्स हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की जिनके रेडियस 21/7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसका हमारे पास रेडियस ए बी बड़े वाला सर्कल के आर्क है जिसकी रेडियस कितनी 21 और सी डी छोटे वाले सर्कल के आर्क है जिसकी रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर है, इनके सेंटर दोनों का हुआ है एंगल ए ओ बी अगर 30 डिग्री के बराबर है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये लिखो। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल की ये दो ऑर्क्स दी गई है O, this is A, this is B, this is C, this is G. तो ए बी आई लार्ज सर्कल के आर, सी डी आई स्मॉल सर्कल के आर, और लार्ज सर्कल जो आर के इसके कितने हैं 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया गया है, और ये जो स्मॉल सर्कल इसके कितना है 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया गया है। हमें शेड पोर्शन के एरिया फाइंड करना ही है, शेड पोर्शन सबसे पहले ये निकालो एंगल एओबी दिया गया हमारे पास, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है 30 डिग्री, उसके बाद रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल किसके बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल ए ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल ए ओ बी, ए ओ बी सर्कल जो है बड़े वाले सर्कल इसका रेडियस किसके बराबर है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, सर्कल ए ओ बी का क्या है रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल थीटा इक्वल 30 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, यहां पे कुछ नहीं बताया गया, इसको 21/7 यूज करो इनटू आर स्क्वायर इज 21 इनटू 21 7 3 21 3
इसलिए आंसर ये आ जाएगा वन नंबर 12, इधर आएगा 22 और इधर आएगा 63। इसको टोटल आप देखो कैलकुलेट करके किससे ज़्यादा आ जाएगा इसके लिए फाइंड करना है। तो इसकी
इनका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में ये दो अलग अलग सेक्टर्स है, 8 सेंटीमीटर इसका भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर दिए 8 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। इनकी आप नेम भी दे सकते हो, इसको मैं हिंट भी देता हूँ आपको, आप खुद सॉल्व कर लोगे। ए बी सी डी इसको बताओ, ये ए रखो, ये बी रखो, ये रखो सी डी, यहाँ पे ई और यहाँ से एफ, एक साइड कौन सा आएगा, डी ए ई सी और एक आएगा डी ए एफ सी, ये दो सेक्टर्स पर ये कॉमन एरिया फाइंड करना है। ये बता एरिया में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस पहले वाले इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे, निकलेगा ये वाला हाफ इसका रीजन के एरिया। फिर दूसरे केस में भी आंसर ही उन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास, ये एरिया बन जाएगा। पहले एरिया आप सेक्टर बी ए सी फाइंड करते हैं, बी ए सी इसमें आप एरिया सेक्टर निकालो, एरिया सेक्टर बी ए सी इस तरह पर निकलेंगे, एरिया इज इक्वल टू इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, थीटा किसके बराबर है 90 अपॉन 360 इंटू पाई, इसका हम इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई, इसमें तो अपॉन 7 ही यूज करो, 1 अपॉन 7 इंटू 8 का स्क्वायर किसके बराबर आता है 1 बाई 4 अपॉन 7 इंटू 64, इसको ये कैंसिल करो 16 into 22 क्या आएगा, ये टोटल कैलकुलेट करके 352.7 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर के एरिया। फिर उसके बाद एरिया का एंगल बी ए सी फाइंड करो, बी ए सी एरिया एंगल बी ए सी किसके बराबर आएगा 1/2 into base 8 √8 तो ये किसके बराबर आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एंगल तो एरिया। तो उस केस में हम फाइंड करेंगे ये निकल गया इसके बराबर एरिया डिजाइन क्वेश्चन किसके बराबर आ जाएगा। अब देखो हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे पीछे इस डिजाइन का हाफ एरिया, दोनों डिजाइन सेम है, सेम केस यहाँ पे भी आएगा इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया डिजाइन के दोनों के सामने किसके बराबर आएगा एरिया आपका जो हमारे स्क्वायर एरिया डिजाइन। तो अब ये निकाल दिया एरिया का डिजाइन क्वेश्चन किसके बराबर आएगा, देयरफॉर एरिया डिजाइन पोर्शन के लिए आप लिख रहे हो इसी पॉइंट पर डिजाइन पोर्शन का एरिया जो होगा कोई भी एरिया सेक्टर ये इनटू एरिया सेक्टर बीएसी माइनस एरिया ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल की है बीएसी, बीएसी कर दो ये निकल जाएगा एक ही वैल्यू से आप रिपोर्ट करो सेक्टर के एरिया निकला है ट्रायंगल के एरिया निकला है निकले बात तो इसका डिजाइन के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर वर्क कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही।